नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार गुप्ता। कहता है वोटर का कारवां पहुंच चुका है धार जिले के कुछ ही तहसील में। समस्या तो कुछ नहीं है, बीजेपी का मतलब 15 साल से राज चल रहा है तो जनता की कोई समस्या नहीं। यहाँ पे तो कांग्रेस के विधायक हैं, वही मंत्री जी। कांग्रेस तो 15 साल से विधायक है, कुछ नगर के लिए हित में कुछ कार्य नहीं कर रहा है। कुक्सी में युवाओं के लिए रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। 70 साल में 5 साल भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन समझ लो कि आप 60 साल कांग्रेस ने राज किया, उप मुख्यमंत्री रही, यहाँ के मंत्री रहे कांग्रेस के, कोई रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं हुआ है। बहुत विकास हुआ है। क्या बताइए, मामा ने बहुत विकास करा है विधायक यहाँ तो। बस इससे ज्यादा मेरे को कहीं नहीं बोलना यार भाई साहब, धन्यवाद जी। अपना तो टोटल शुरू से बीजेपी में ही जाता है और बीजेपी में ही देंगे वोट। हमारी पूरी पीढ़ी बीजेपी में देता ही है, बीजेपी में ही देते हैं वोट। उसका कारण क्या है? नहीं, कुछ भी कारण, भले हारे या जीते, हमको कुछ किसी से लेन देना कुछ भी नहीं है। केवल वोट बीजेपी को ही जाता है तो बीजेपी को ही देते हैं शुरू से आखिरी तक। कितना बदला, कितना हुआ विकास? कुछ विकास नहीं हुआ, चाहे जोन सी पार्टी आए कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है। कोई सी भी पार्टी आए, अभी तक तो कुक्सी का कोई विकास नहीं हुआ। विकास के आधार पर अभी तक कुक्सी विधानसभा में वोट नहीं डला, क्योंकि कुक्सी ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर परंपरागत वोटर कांग्रेस ही है और विकास के आधार पर आज तक वोट नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ धन बल, शराब और इस बल पर हमारे विधायक जी हमेशा जीतते रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या, कल कारखाने नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, यहाँ से प्रवासी होते, यहाँ से आदिवासी सब जाते हैं गुजरात के लिए। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, कोई कल कारखाने नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, छोटे मोटे क्या करेंगे बेचारे मजदूर वर्ग। यहाँ सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। तहसील धार जिले की सबसे बड़ी तहसील है और यहाँ पर हम राजनीतिक दलों से बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के ले लेते हैं रिएक्शन, क्योंकि यहीं से उनके विधायक हैं, मंत्री हैं कांग्रेस के। कितना विकास कार्य किया है आपके विधायक ने? कांग्रेस विश्वास पर चलती है, सद्भावना पर चलती है, संपर्क में प्रेम और विश्वास पैदा करती है। कुक्सी क्षेत्र में कांग्रेस का ही विकास है, बीजेपी ने कोई विकास की कल्पना नहीं की, केवल बेचो और खाओ, ये कुक्सी कांग्रेस का विश्वास रहा है। कांग्रेस की अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, बीजेपी के प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? हम लोग चुनौती मानते ही नहीं बीजेपी को। कुक्सी में, कुक्सी में बीजेपी चुनौती नहीं मानी जाती। कुक्सी में सुरेंद्र सिंह जी, हनी बघेल एक विश्वास का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक है। उसने कुक्सी में जो काम 2012 से रुका हुआ था, कुक्सी का खेल परिसर स्टार्ट करवाया कुक्सी के अंदर। नहीं साहब, रामपुरा में कुक्सी में आया। बीजेपी को कांग्रेस चुनौती नहीं मानती है, ये तो अब आने वाले चुनाव में पता लगेगा। क्या लगता है कितना कांग्रेस के जो यहाँ के सुरेंद्र सिंह बघेल है, कितना विकास किया यहाँ पे? उन्होंने व्यक्तिगत विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो आज उनके पास जनता एक चीज का जवाब मांग रही है कि 10 साल तक जो विधायक रहे हैं उनकी विधायक निधि जो है 2 करोड़ रुपए हर साल आती है प्रति वर्ष, तो 20 करोड़ रुपए की विधायक निधि 10 साल में हो चुकी है, तो उसमें 20 करोड़ का वो हिसाब रख दे, इतना ही जनता पूछ रही है। कांग्रेस एक कद्दावर नेता है, इसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, आदिवासी बाहुल में उनका एक बड़ा नाम है, तो कैसे आप देखते हैं कि किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाने वाले? आपके प्रत्याशी का नाम भी सामने आ चुका है। हमारा प्रत्याशी का नाम सामने आ भी चुका है और इस बार कुक्सी में परिवर्तन की लहर है, ये आप लोग भी देख रहे हैं। यहाँ एक भी कांग्रेसी डिबेट में आना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके पास विकास क्या किया है
20 करोड़ रुपए का जो हिसाब मांग रहे जनता वो नहीं दे पा रहे तो विकास का कहाँ से जवाब दें। क्या है कुछ ही अगर तहसील की बात की जाए तो यहाँ के क्या है मुद्दे, विकास के मुद्दे क्या है? देखिए भाई साहब, पिछले जब से शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री बने सारी योजनाएं कुक्षी विधानसभा में लेके आए हैं। ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, कमलनाथ जी इनके मुख्यमंत्री भी बने, ये बोल रहे थे हम हर साल हर महीने 6 महीने रोजगार के लिए अपने युवाओं को रोजगार के पैसे देंगे। हम इनके मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि छिंदवाड़ा जैसा हम मध्य प्रदेश बनाएंगे। पहले मैं इनके मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पूछना चाहता हूँ कि आपके पहले छिंदवाड़ा को तो बनाइए, बाद में मध्य प्रदेश को बनाना। रही बात कुक्षी के विकास की, जब कुक्षी में उपचुनाव हुए थे और माननीय मुकाम सिंह जी किराड़े विधायक बने थे, आज कुक्षी में सारी जो बड़े काम हुए पूर्व विधायक मुकाम सिंह जी किराड़े ने किए हैं। कुक्षी का जो बड़ा सिविल अस्पताल वो मुकाम सिंह जी किराड़े ने बनाया है, जो बाईपास बनाया है वो मुकाम सिंह जी किराड़े ने बनाया है। कुक्षी में जो 8 दिन में पानी आता था वो हर तीसरे दिन जो आज पानी आ रहा है वो माननीय मुकाम सिंह जी किराड़े ने बनाया है। इस तरह की अनेक योजनाएं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा चलाई जा रही है एवं क्षेत्र की सभी जनता को इसका लाभ मिल रहा है। आपसे एक सवाल और ले लेते हैं, ये यहाँ से लोग पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि लोग कामकाज के लिए गुजरात चले जाते हैं, क्या वजह? कुक्षी कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि में जब मजदूर लेते हैं तो निश्चित समय के बाद उनको रोजगार के लिए गुजरात के पलायन क्षेत्र में जाते हैं और काम करते हैं। आपके नेताजी ने क्या क्या किया है इसके लिए व्यवस्था? जवाब दे दीजिए इनको, पहले इनसे बोलिए। कुक्षी 100% सिंचाई की ओर अग्रसर, इस समय 2100 करोड़ की योजना कुक्षी तहसील की ब्लॉक की और 1100 करोड़ की योजना दही ब्लॉक की, दोनों इरिगेशन हो जाएगा, लिफ्ट इरिगेशन, उसके बाद कुक्षी से कृषि पलायन नहीं होगा। इस समय दही क्षेत्र में नहर परियोजना का क्रियान्वयन चालू हो गया है और कुक्षी नगर का कुक्षी ब्लॉक में भी इस समय पूरा क्षेत्र कृषि आधारित होने से कुक्षी में अब कृषि से संबंधित कोई पलायन नहीं होगा। इसकी योजनाओं को पिछले 10 साल में शिवराज सिंह जी ने लिफ्ट इरिगेशन को नहीं किया जो 24 तक आना था, 18 महीने की हमारी सरकार रही, हमने उसकी गति तेज की ताकि इरिगेशन बढ़ जाए और इरिगेशन का इस समय सबसे ज्यादा काम हमारे कुक्षी। कांग्रेस विकास के दावे की बात कर रही है, कहा है कि कुछ में बहुत विकास हुआ है, कहा है विकास? आप देखिए ना, यहाँ की लगभग जो है आधी 10 साल से विधायक है कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जी हनी बघेल, उन्होंने आम लोगों के लिए किया क्या है? ना सिंचाई के क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने सारी सिंचाई की जो आज बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि माइक्रो इरिगेशन हमने दी, इनके ही कार्यकाल में हुआ था और उसका पैसा हमारी सरकार आने के बाद 10 अक्टूबर 2021 को हमारी सरकार आने पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आवंटित किया तो इसका काम चालू हुआ और आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं हमने चालू करा काम, ये कहां से करा? इन्होंने ये कह रहे नर्मदा पट्टी की बातें कर रहे हैं, 15 महीने आपकी सरकार रही, आप विभाग के मंत्री रहे, ये बताइए कि आप चाहते तो पूरी नर्मदा पट्टी को सारे उनकी जो समस्याएं थी उसको सॉल्व कर सकते थे, आपने क्यों नहीं करा? आज सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, 580 की बात कर रहे हैं, 580 आप चाहते तो दे सकते थे, आपके लोगों ने आपके ही कुछ लोगों को उनके जो साठ गांठ करके 5 लाख खुद के जेब में रखना और 80,000 दूसरों को देना, इस टाइप की शर्मनाक हरकतें कर अपने ही लोगों का फायदा किया है, आम पब्लिक का फायदा जरा भी नहीं किया है और विकास के नाम पर 0 है। 10 साल में पूरा भंटा ढाल कर दिया है कुक्षी का, हम चाहते हैं इस बार पूरे क्षेत्र में परिवर्तन की लहर है। कुक्षी का हाल बेहाल है? नहीं, हाल तो बहुत बढ़िया है, कांग्रेस ने बहुत करा, 70 साल में बहुत कुछ दिया, ये मेट्रो, हवाई अड्डे, ये बिजली, न डीएम, न कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए, सब ने करा काम, सब काम कर रहे हैं। कह रहे मेट्रो की सौगात कांग्रेस ने दी है, कहाँ दी है, कौन से शहर में दी है बताइए ना, कौन से शहर में दी, नाम तो बताइए, कौन से शहर, कोई एक शहर बता दे कांग्रेस वाले की उन्होंने मेट्रो ला के दी, जो भी दिया है भाजपा वालों ने दिया है। आज और आप एक बार पूछिएगा यहाँ की जनता से, विधायक जी से, ये अतिथि विधायक कुक्षी को नहीं चाहिए, अब जो 10 बजे सुबह आते हैं भूमि पूजन शिलान्यास करके 12 बजे खाना खा के वापस इंदौर निकल जाते हैं। आपने कहा कि जनता होनी चाहिए लेकिन इसे तो कांग्रेस से गढ़ माना जाता है, लगातार कांग्रेस विधायक चुनाव जीत रहे हैं। इस बार परिवर्तन की लहर है, भोली भाली जनता थी, उन्होंने इनके झूठों पे विश्वास करके अभी तक ले दिया, लेकिन अभी ये गड़बड़ी वाली झूठ पर विश्वास करके जनता ने वोट दे दिया, बीजेपी कह रही है 2 लाख कर्ज माफ पे दिए है, स्थिति हो गई हमारी
किया जो 2 लाख के कर्ज के चक्कर में आए थे, 10 लाख का कर्ज हो गया मेरा। बहुत बढ़िया जवाब दीजिए। मैं किसानों में बोल रहा हूँ, किसी का 50,000 हुआ, किसी का 1 लाख हुआ, 12-15 महीने में सरकार गिर गई, बिक गए ज्योतिराज सिंधिया जैसे, है ना, रोड पे उतरे, रोड पे उतरे, कर्जा माफ करा ना ज्योतिराज सिंधिया ने। मैं भी कोई किसान हूँ, मैं उपाध्यक्ष भी हूँ, पूरी सोसाइटी बना दी, सब किराए की थी। कितने माप हुए? मेरे माप कहाँ से होंगे? आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए चुप रहो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने वादे हैं। कांग्रेस ने कहा कि उनने विकास किया, बीजेपी का वादा है कि उनने विकास किया। आम आदमी पार्टी क्या कहना है? हमारा कहना तो इतना ही है भाई साहब, बीजेपी और कांग्रेस सब बोलते हैं कि हमने विकास किया विकास किया विकास किया, चलो इनकी बात मान लेते हैं विकास किया होगा, लेकिन आज सबसे बढ़िया काम है जो किसान खेती करता है उससे जाके आप पूछिए कि उसकी क्या समस्या है, उसको क्या तकलीफ है। अभी ये भाई अब कौन सी विचारधारा का ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी बोल रहा था कि कांग्रेस या बीजेपी सत्ता आने के बाद मेरा 10 लाख का कर्जा हो गया। भाइयों और किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार चाहे बीजेपी और कांग्रेस ये कुछ नहीं करने वाली आपके लिए। आप किसान को यदि आपकी फसल का लागत मूल्य का भाव मिलना चाहिए, ये यदि सरकार दे ही सकती है चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, तो वास्तव किसानों के बारे में सोचती ऐसा कहा जा सकता है? नहीं तो ये बेवकूफ बनाते हैं। रही बात विकास और ये तो सब हो रहा है, पिछली बार बीजेपी आम आदमी पार्टी का क्या विकास मॉडल रहेगा? हमारे आम आदमी पार्टी का विकास तो ये रहेगा, हमारा ऐसा कहना पड़ेगा आपका हर काम, ओ भाइयों आपका हर काम ईमानदारी से करेंगे। अभी कोई भी काम क्या लगता है कोई ईमानदारी नहीं करेगा? आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता ईमानदारी के नाम से आई थी, आज उसके मंत्री क्यों जेल में बैठे? आज क्यों जेल में जाते? इसका जवाब दें आप। आपका अरविंद केजरीवाल रिक्शा से चलने की बात करता था, आज क्यों फालो में चल रहा है? इसका जवाब है आपके पास में। आपका सत्येंद्र सिंह आपका सिसोदिया ये क्यों जेल में? एक सवाल अपन कुछ ही विधानसभा के लिए देते हैं, क्या लगता है कि विकास क्या होना चाहिए था, क्या अधूरा है? देखो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ के लोगों के ईमानदारी से काम होना चाहिए, वो हुआ नहीं। हर चाहे तहसील में जाओ, कलेक्टर में जाओ कि नगर पालिका में जाओ, सब पैसे मांगते हैं और बगैर पैसे से कोई काम करना चाहता नहीं है। इसीलिए बताइए क्या कर रहे भैया, विकास कहाँ से होगा? विधायक तो कांग्रेस का था, तो विकास कहाँ से होगा? जब विधायक नया बनेगा उसके बाद में विकास होगा, उसके बाद में जनता देगी क्या विकास हो रहा है? क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ है? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ कांग्रेस का। क्या विकास नहीं हुआ है? कुछ भी विकास नहीं, विधायक के हिसाब से कोई सा भी विकास हुआ बताओ आप? जो राय 20 करोड़ के आसपास विधायक निधि होती है उनकी 10 सालों की, वो उसका रिकॉर्ड जो हमको दे पहले उन्होंने कहाँ खर्च की है उसके बारे में बताए पहले कहाँ गया वो पैसा, वो जनता जानना चाहती है। 20 करोड़ के आसपास की विधायक निधि है वो कहाँ गई? गाँव में एक टैंकर पकड़ा देते हैं लास्ट में चुनाव वाले समय, ये हो रहा है अभी तक भाई साहब। आम जनता से भी कुछ बात करेंगे। अंकल क्या लग रहा है कुछ ही में कितना विकास हुआ है, कितना अधूरा है, क्या बदलाव हो रहा है? विकास नहीं होता कहीं नहीं है, सब मजे में है लोग। हाँ। विकास वगैरह थोड़ी होता है, तो एक तरफ पड़ा गांव है। हाँ। तो कुछ ही में कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, काय का विकास हुआ यार? कांग्रेस तो कह रही है कि नेताजी ने लगातार विकास काम किया है। सही है, कुछ किसानों से बात कर लेते हैं। चलिए और ये चलिए कुछ लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे और क्या लगता है कि चलिए मुद्दों की बात करें, क्या लगता है कि कुशी में क्या कुछ अभी तक बदल जाना चाहिए था, पलायन की स्थितियाँ रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए था? विधायक जी ने कुशी के लिए कोई बड़ी इंडस्ट्री की आज तक शुरुआत नहीं की, 10 साल से यहाँ पे विधायक है, उनकी सरकार भी आई 15 महीने के लिए, तो उन्होंने क्या करा यहाँ का पलायन रोकने के लिए, यहाँ के बेरोजगार होकर रोकने के लिए क्या करा? विधायक जी इंदौर में जाके युवाओं से संवाद करते हैं, यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे? वो कभी कॉलेज में गए संवाद करने के लिए? कम से कम 2,500 से 3,000 यहाँ पे छात्र छात्रा है, वो उनसे संवाद करने का टाइम नहीं है, इंदौर जाके संवाद क्या कर रहे हैं? और रही बात युवाओं के रोजगार की, तो जब इनकी सरकार आई तब ढोर चराने की प्रैक्टिस करवाने लग गए थे रोजगार के नाम पे। ये इनका विकास है, बैंड बजाने के काम करवाएंगे, ये इनके रोजगार है, कहाँ से होगा? लाडली बहनाओं का आशीर्वाद, 1,24,1800 बहने हैं जिनका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और जयदीप पटेल भारी मतों से विजय होंगे।
क्या हुआ होना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ। विकास के नाम से तभी कुछ नहीं हुआ न गणने के लिए, बेरोजगार लोग भटक रहे हैं और परेशानियां हर आम आदमी हो रहा है, ये बात जरूर है। इन्होंने थोड़ा सुविधाएं काफी दे दी है, जैसे अनाज की दे दी मोदी जी ने और लोन वगैरह दे रहे हैं, मतलब और ये दे रहे सिर्फ चुनाव के टाइम तक। कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती आ रही है, कांग्रेस लगातार चुनाव जीत रही है, क्या लगता है कि इस बार विकास के मुद्दों में क्या कुछ रहने वाला है, क्या विकास की बातें होने वाली है? देखिए भाई साहब, 10 साल से कांग्रेस है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब जनता भी परिवर्तन चाहती है कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए समय अनुसार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता को भी नया कुछ चाहिए तो मिलना चाहिए, और हमारे जयदीप भाई भी लगातार वर्षों से काम करते ही आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार अरे आपसे, आप पत्रकार हैं, देखते हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस से गढ़ माना जाता है, कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही है, यहाँ के जो विधायक हैं वो मंत्री भी रहे हैं, तो और बीजेपी के सामने प्रत्याशी के नाम सामने आ चुका है, तो कुछ ही का जो चुनावी मूड है क्या कहता है? दोनों ही युवा उम्मीदवार हैं और भाजपा के 18 साल के कार्यकाल पे भाजपा मैदान में है, और कांग्रेस के जो विधायक है वो भी अपने काम के बल पर और यहाँ सक्रिय रहकर क्षेत्र में है। यह तो जनता का मूड बताएगा कि आगे क्या होना है और कैसे होना है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ आदिवासियों का, मजदूरों का पलायन है। दोनों ही पार्टियों ने कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए हैं, कोई उद्योग धंधे उपलब्ध नहीं कराए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मतदाता किस करवट अपना वोट देंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो हनी बघेल है, बिल्कुल लोकल कुशी की अगर बात करें तो यहाँ कम दिखाई देते हैं, यहाँ पे बीजेपी का वर्चस्व ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में उनका है। शहरी क्षेत्रों में तो शुरू से ही भाजपा का वर्चस्व रहा है और आज भी है ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह सही है कि कांग्रेस का वर्चस्व है। हनी बघेल भी यहाँ है और जयदीप पटेल भी यहाँ है, दोनों ही मैदान में है और दोनों ही दिखाई देते हैं। सर, एक पत्रकार आप हैं, महत्वपूर्ण आपसे सवाल है कि सबसे बड़ी समस्या जो हमने देखी यहाँ पर कि लोग रोजगार के लिए गुजरात पलायन कर रहे हैं, दूसरी तरफ में अगर देखा जाए स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, ये दो गंभीर मसले हैं, क्या इनमें किसी पार्टी ने कभी कदम नहीं उठाया विकास के रोल मॉडल पर? किसी भी नेता ने गंभीरता से इन दोनों ही मसलों पर कभी भी कोई बात नहीं की है। यहाँ पर सिविल अस्पताल है लेकिन नाम मात्र का है, वो खुद बीमार है तो लोगों का इलाज कैसे करेगा। रही बात यहाँ पर कपास और हरी मिर्च जैसे बड़े केंद्र है व्यापार के, लेकिन इन दोनों ही मुद्दों पर यहाँ कोई भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं है। यह निश्चित है कि यहाँ का मजदूर पूरे साल भर गुजरात में पलायन करता है मजदूरी के लिए, गुजरात ही नहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी बड़ी शहरों में और पंजाब हरियाणा तक भी मजदूरी के लिए पलायन करता है। मजदूरों के लिए कोई ठोस व्यवस्था या उद्योग तो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं कहा, न कांग्रेस ने न भाजपा ने। भाजपा भी 18 साल से है लेकिन यहाँ पर कोई उद्योग नहीं लगा सकी और न कांग्रेस लगा सकी। आपसे एक आखिरी सवाल लेते हैं, यहाँ की जो जनता है किन मुद्दों पर अपना वोट डालती है? यहाँ की जनता विकास के मुद्दों पर तो नहीं डालती है साहब, पार्टी और संगठन के मुद्दों पर ही डालती है, क्योंकि ग्रामीण अंचल का मतदाता लगभग कांग्रेस ही मानसिकता का रहता है और शहरी मतदाता भाजपा का रहता है। अब भाजपा ग्रामीण मतदाताओं को कितना अपने पक्ष में कर पाती है आने वाला समय ही बताएगा। क्या वो जमुना देवी जी वाला वो फैक्टर क्या अभी भी गांव में चल रहा है, क्या वो नाम से अटैचमेंट है क्या? जमुना देवी जी का फैक्टर अब चूंकि 2010 में उनकी डेथ हुई थी, निधन हुआ था, उसके बाद चला था, लेकिन अब चूंकि विधायक हनी बघेल ही यहाँ पर स्वयं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अब जमुना देवी जी वाला मुद्दा बहुत कुछ प्रासंगिक नहीं रहा। अगर 12th की बात करें, कॉलेज जाने की बात करें, तो कॉलेज की क्या व्यवस्था है पढ़ाई के लिए? देखिए, पूर्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज आज भी संचालित है, एक छोटे आकार में था, आज उस कॉलेज में आप जाके देखिए, आज बड़ा बिल्डिंग वहाँ पर बना है, छात्राओं के लिए बढ़िया व्यवस्था वहाँ पर हुई है, और शिक्षा के नाम पर जितनी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जितने सक्रिय है कुक्षी विधानसभा में, इतना पूर्व के मुख्यमंत्री कोई भी नहीं रहा। और दूसरी बात आपको बताऊं, मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान सीएम राइज स्कूल संचालित कर रहे हैं, उसमें कुक्षी विधानसभा में 3 सीएम राइज स्कूलों की घोषणा हुई है, और वर्तमान में निसरपुर विकास खंड में 30 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करी है और उसका भी काम चुनाव बाद में कुछ ही क्षणों में चालू हो जाएगा। अभी और कॉलेज भी चालू, निसरपुर में भी घोषणा हो चुकी है और एक दही में भी कॉलेज की घोषणा हो चुकी है। तो आप विकास, बीजेपी की बात करें, कौन से 2-3 मुद्दे रहने वाले हैं जो जनता के बीच आप लेकर जाएंगे? हम तो लाडली बहना मुख्य हमारा एक वो है कि किसान सम्मान निधि, आयुष्मान और संबल योजना, मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाएं दे दी है कि आम जनता के मतलब हितों के लिए। आज अगर मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक परिवार में आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार की 4 योजनाएं तो उसके घर में आज संचालित हो रही है।
चलिए देखिए, बीजेपी का कहना है कि इस बार वो लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, इन योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है? कांग्रेस मुद्दा विहीन है, वो केवल आतंकवादियों के दम पर देश में शासन करने का मन बना रही है। भाजपा के पास एक लाडली बहना नहीं, अनेक योजनाएं ऐसी है जो सीधे जन कल्याणकारी योजना है और आम आदमी का जीवन स्तर बदलने वाली योजना है। कांग्रेस के नारी सम्मान के फॉर्म भरवाए, तुम सरकार में हो नहीं, सरकार में आने की तुम्हारी उम्मीद है नहीं, 18 महीने रहे 0% सन्नाटा रहा और अब तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। और भाजपा ने घोषणा करी और दूसरे दिन से 1000 फिर 1250 फिर 1500 खातों में आने लग गए। तो लाडली बहना तो एक प्रतीक है, बाकी भाजपा की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसने नारी सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, इन योजनाओं की एक बाढ़ है भाजपा के पास। इजराइल और उनके दो देशों की आपसी बातें हैं, भारत में रहकर तुम हमास का एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हो, देश का खाते और उन आतंकवादियों की बातें करते हो आप और कह रहे हम विकास की बातें कर रहे हैं। इन राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। सभी पार्टियों ने कहा कि विकास मॉडल लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि जो यहाँ की जनता है वो किस पार्टी को अपना समर्थन देती है। लेकिन अगर कुछ ही की बात की जाए तो कुछ ही जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ की जो संस्कृति है जो आदिवासी है और जो प्रदेश में नहीं देशों में भी अपना एक विशेष स्थान रखती है। वीडियो जर्नलिस्ट अगले साथ मितेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।